उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव कब होंगे इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि कयास यह लगाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को अब कुछ ही महीने का समय ही शेष रह गया है। इस सबके बीच भाजपा चाहती है कि बदली परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाए। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार को पार्टी की ओर से सुझाव भी दिया गया है, तर्क दिया गया है कि इसमें चुनाव पर आने वाले खर्च की बचत होगी और दोनों छोटी सरकारों के एक साथ चुनाव होने पर विकास कार्यों में किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा, और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है, आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इस संबंध में ऐसा विचार विमर्श चल रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या। तो इस पर परामर्श करने के बाद, सभी लोगों से सहमति के बाद, मुझे लगता है कि इस पर चिंतन हो तो यह भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि विकास का मामला है। अलग स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगेगी, 1-1.5 महीना उसमें विकास कार्य रुके रहेंगे, फिर 1-1.5 महीना पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगेगी, फिर उसमें विकास कार्य सारे रुकेंगे।